हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में कुछ गजब चीज होनी है। आप लोगों के कई दिनों से क्वेरीज आ रही थी कि भाई हमें पपीज दिखाओ, छोटे छोटे पपीज दिखाओ। तो आज मैं आ गया हूँ, मनोज भैया के पास आ गया हूँ। इनके पास लीटर भी हो रहा था, तो ये व्लॉग अलग से ही डालूंगा मैं, जो कि आपने देख ही लिया, डेली व्लॉग्स में नहीं आ रही है। तो फिर आज मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे पपीज़, और उनसे भैया से पूछेंगे कि आप छोटे पपीज़ की कैसे केयर करनी चाहिए। जैसे लोग पूछते हैं, जैसे नए नए बच्चा घर पे लेके आते हैं तो क्या केयर करनी चाहिए। पहले सबसे पहले ये रहा हर्षल। और हर्षल है बढ़िया भाई। हर्षल मेरा भाई है, हम 5 जने हैं, दोस्त हैं। आपको कभी मिलाएंगे जब सारे इकट्ठे होंगे, तो उनमें से एक ही है। ये मेरे साथ 6th क्लास से है, 6th क्लास से हम साथ में हैं। बिल्कुल हमारा घर बिल्कुल साथ में है ना, तो हम हमेशा ही साथ ही रहते हैं। तो अब कैमरा मैं हर्षल को दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बच्चे छोटे छोटे सारे प्यारे प्यारे। तो देख लो आगे मनोज भैया के पास क्या लग गया। और आज कई दिनों बाद, 5 महीने बाद मिल रहा हूँ भैया को, पता है। फोन कर लेते हैं, बताए रखा था भैया बाहर था मैं चंडीगढ़। ये रही फीमेल, ये अभी इसके इसने दूध पिलाया है बच्चों का। अभी भी दूध पी रहे हैं ना बच्चे भैया? हाँ जी। गेरी कितनी बढ़िया है ना, और मैं पहली बार मिल रहा हूँ इससे। और ये कुछ देख लो, बाकी आप लोगों ने ये बैन तो निकल गया लोगों का कि रॉटवाइलर एग्रेसिव होते हैं। हमारा थोर तो देख रखे आप लोगों ने, है भैया सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर? बिल्कुल। अरे ये देख लो दूसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है ये। और बच्चे अंदर हैं सारे, एक बार सेटअप आपने पहले भी देखा होगा भैया का। अभी बच्चे इनके दिखा देते हैं। देखो ये ऐसे सेटअप कर रखे भैया ने नीचे। हाँ ये बच्चे सारे छोटे छोटे, और ये भी मदर, ऐसे प्रॉपर सेटअप करा हुआ है। एक बार वापस बता दो भैया क्या रीजन है ऐसे सेटअप करने का। भाई देखो इसमें अंदर आ रहा सबसे कम अंदर से, देखो ये मैट है, जैसे बच्चा बाथरूम कर रहे तो जैसे गिल्ला भी होगा बच्चा। हाँ बाथरूम नीचे नीचे निकल देगा। हाँ दूसरा तो पोटी ना करेगा तो पोटी नीचे निकल के साफ हो जाएगी। हाँ ये तो नीचे चली जाएगी तो यहाँ से साफ हो जाएगी। और इस तरीके से मतलब ये भी लेटरिंग में या बाथरूम में हाँ गंदे नहीं होगा, गंदा होगी बीमार नहीं होगा। हाँ और ये देखो ये अभी भी दूध पी रहे हैं। कितने दिन के हो गए बच्चे भी है? ये हो गए भाई 22 दिन के, 22 दिन के बच्चे हो गए हैं। और ये देखो अभी भी मदर फीड पे है ये। और भैया आज ना आप डिटेल्स बताना कि जैसे कोई बच्चा मतलब छोटा बच्चा घर लेके जाते हैं तो हमें क्या खिलाना चाहिए उन्हें। भाई पहला काम तो सबसे मेन बात करें 25 दिन पे पट पेटी भी होना चाहिए किसी से भी आप पप्पी लो। और पप्पी हो सके तो कम से कम 35-40 दिन का पप्पी होना चाहिए। ठीक है। अगर जैसे लगता है कि आपको ज्यादा दूर जाना है फिर तो 45 डेज का होना चाहिए। और जैसे आपने नियर अबाउट 100-150 किलोमीटर तक लेना है तो कम से कम 40 डेज का पपी जरूर लो। हाँ। जैसे कि उसकी ब्रीड क्वालिटी जैसे 40 मतलब 45 डेज तक पहले वो वैक्सीन लग जाती है। पहले वैक्सीन लग जाती है। हाँ तो वो ले लो। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था ना कि हमने थोर भी 2 महीने का होने के बाद लिया था। पहले हमने बुक कर दिया था 40 दिन का, तो वो 10-15 दिन उसके पास ही छोड़ दिया था। तो ये देखो ये बच्चे दूध पीने लग रहे हैं। ये देख लो भाई जो कहते हैं नी मतलब कि मदर फीड में नहीं रख रखे तो ये बच्चे मदर फीड में ही हैं। और जो पार्वो वायरस वगैरह भी है उनसे बचने के लिए मदर फीड ही बचाता है ना सबसे पहले तो। बिल्कुल कहते हैं इम्यून सिस्टम वही बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम यही बढ़ाता है। दूसरा क्या 25 दिन पे हमेशा पप्पी डिपी करवाओ। अच्छा मोस्टली क्या करते हैं कहते हैं सिर्फ 200-500 के लालच में ना वो लगाते नहीं है, और क्योंकि बच्चा जो फिर बीमार हो जाएगा। सही बात है भैया, क्योंकि सबसे पहली जो इनको एंटीबॉडीज मिलेगी वो इसकी मदर फीड से ही मिलेगी, जैसे हमें मिलती है यार। ऐसे नहीं कहते न्यू बॉर्न बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध पिलाना चाहिए, वो इसलिए होता है, इसलिए होता है एंटीबॉडीज मिल जाती है, फिर वो उनको पावर मिल जाती है डिजीज से लड़ने के। फिर देखो ये सारे बच्चे दूध पीने लग रहे हैं। एक बार ये दूध पी ले फिर इनको निकाल के दिखाएंगे आपको, इनकी एक्टिविटीज दिखाएंगे सारी। किसके बच्चे अभी है ये, क्या नाम है इनका? ये भाई मेरे पास जो एंड्रो है, एंड्रो सिंगुरोड। ठीक है। मल्टी लाइनअप विनर है। ठीक है। और सर्जन जूनियर चैंपियन और इंडियन ग्रैंड चैंपियन है ये। ठीक है। उसके पप्पी है। उसके पप्पी है। और ये फीमेल कौन सी है भैया? ये कोनी है। कोनी। हाँ ये मेरे खुद की ब्रीडिंग की है, ये इसके मदर फादर दोनों साइड इम्पोर्ट है। ठीक है। बढ़िया अच्छे मतलब अच्छे बहुत ब्यूटीफुल फीमेल है ये तो पूरा भारी है ये वाला।
अरे भाई कितने बच्चे हुए अभी है ये? आठ आठ बच्चे आए हैं। ये देखो ये रहा छोटा सा बेबी। मेल है ये भाई? हाँ मेल मेल है ये। सेम ही है, मेल फीमेल में ज्यादा सा चेंज नहीं लगता मेरे को। थोड़ा बहुत बताना भी है कैसे अच्छी क्वालिटी कैसे दिखती है इनकी। भाई देखो इस टाइम तो कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। बच्चा हमेशा ही लाल 30 दिन के बाद आइडिया आता है। मेन दिक्कत है देखो ये चीज है रेशो हेड की और नोज की, प्लस में हेड स्टॉप देखो इसका अच्छा। हाँ जी सबसे बढ़िया बोन होगी, कहीं से लूजनेस नहीं है, ठीक है। ये चीजें ये देखो कितना बढ़िया स्टॉप है इसका, बाकी दिखने में बहुत सुंदर होते हैं ना। अरे प्यारे, बहुत ज्यादा प्यारे हैं यार। थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको, यहाँ खेलते हुए दिखाएंगे इनको। ले देखो पकड़ो हाथ ले भैया, हर्षल पहली बार पकड़ रहे हैं। इसको डर लगता है, थोर से डरता है ये भैया। थोर पक्का आता है इसके पास मिलने के लिए। डर निकल जाएगा इसका, छोटा सा डर नहीं लगता है। इसका नाम बताना क्या रखना है अभी कमेंट सेक्शन में भैया, वही नाम इसका सजेस्ट कर देंगे, ठीक है भैया? हाँ जी, इसका पीपे है। पीपे नाम है भाई, पी से नाम बताना है इसका, और कमेंट सेक्शन में करना कमेंट, फिर भैया उनमें से नाम उठा लेंगे और फिर इसका नाम वही रखेंगे, ठीक है भैया? ठीक है पक्का? हाँ बिल्कुल। प्यारा सा नाम बताओ, प्यारा सा नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ, जो इसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जचता हो। और मेल है ये, पहले बता देता हूँ, कई फीमेल वाले नाम बता दो इसके। तो देखो अर्सल कैसा लग रहा है भाई, अर्सल हाथ में लेके कैसे पता चल रहा है कि इसको इसने कभी नहीं पकड़ा, इसको पकड़ इसने को ये भी नहीं है, पकड़ना भी नहीं आता, ऐसे पकड़ते हैं डॉगी को, ठीक है? ढंग से पकड़ प्यार से, कैसा लग रहा है रिव्यू दे भाई। बिल्कुल छोटा बच्चा उठाते ना जैसे न्यूबॉर्न वैसे लग रहा है। कितने प्यारे बच्चे हैं, कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताना, ठीक है ना? कितना प्यारा बच्चा है, कोमल स्किन है इसकी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे वाली है। और ये देखो ये आगे और छोटे छोटे दो बच्चे और, कितने प्यारे हैं। ये फीमेल है, ये फीमेल तो फीमेल के हिसाब कितनी भारी है, टचवुड कर दो भाई थू थू। बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुबारक हो भैया इतने प्यारे बच्चे होने के लिए। और बता सर रिव्यू बता जल्दी, बढ़िया बिल्कुल छोटे छोटे भैया बढ़िया है भाई, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, पहली बार देखे हैं असल में। बहुत क्यूट है। अगर किसी को ये लेने हो ना, कमेंट सेक्शन में ना मैं पिन कर दूंगा भैया का नंबर, तो हम वहां से भैया से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये देख लो भाई बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, पहली बार देख पहली बार मिले हम इससे। और ये हर्षल तो बहुत डरता भाई इन चीजों से, फिर पहली बार मिले और ये देखो कितनी प्यार से मिल के जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इनके नाम भी, आप और भी सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कितने फीमेल है भैया, कितनी फीमेल है टोटल? तीन फीमेल और पांच मेल है, उनके नाम बता देना, पर वो पी से जो नाम है ना उसका जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओ हाँ हाँ,